भले ही उसने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर ताहलिया मैकग्रैथ को राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल के लिए चुना गया था। भारतीय क्रिकेट टीम को सिक्का उछालने से ठीक पहले मैकग्रैथ के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पता चला, इसलिए टॉस में काफी देरी हुई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CA का कहना है, ताहलिया मैकग्रैथ ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। RACEG रिजल्ट एनालिसिस क्लिनिकल एक्सपर्ट ग्रुप और मैच अधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद CGA के मेडिकल स्टाफ ने आज के फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मैकग्रैथ को मंजूरी दे दी। मैकग्रैथ रविवार को मामूली लक्षणों के साथ टीम के प्रबंधन के ध्यान में आया और एक सकारात्मक परीक्षण लौटा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बयान में घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने उन्हें फाइनल में खेलने की अनुमति दी थी। BCCI के अंदर और टीम के भीतर के सूत्रों ने PTI को बताया कि कप्तान हरमनप्रीत कौर सहित खिलाड़ी मैकग्रैथ के खेल में शामिल होने के बारे में जानने के बाद उत्तेजित हो गए। भारतीय टीम को अंत में इसके बारे में पता चलने के कारण उनके पास प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं था। एक सूत्र के अनुसार बेशक चिंता थी, लेकिन ये अधिकारियों की पसंद है। पूजा वस्त्राकर और एस भारतीय टीम के दो सदस्य मेघना, जिन्होंने COVID-19 के लिए बेंगलुरु में NCA में सकारात्मक परीक्षण किया, बर्मिंघम के लिए रवाना होने से पहले वायरस से संक्रमित थे।